रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 7 स्टूडेंट। टुडे वी आर स्टार्ट अवर न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 6, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक। वेरिएशन मीन चेंजेस। डायरेक्ट और इनवर्स चेंजेस के बारे में हमने पढ़ना है कि कैसे होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अच्छा जी, द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ। प्रोपोर्शन कैन बी यूज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम डीलिंग विद स्केल ड्राइंग इन डायरेक्ट मैनेजमेंट प्रिडिक्शन एंड मनी। ठीक है, अब कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब जो हमारे पास डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन किस से लिंक करता है, प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब हमारे पास कहते हैं जो प्रोपोर्शनैलिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका यूज़ मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस में हो रहा है, जिसमें ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, बिजनेस मैथ्स आ जाता है, और रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ हम डील करते हैं, स्केल ड्राइंग, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, प्रिडिक्शन एंड मनी। ठीक है, डिफरेंट जगह हम इसका यूज़ करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम से। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हम लर्न करते हैं रेशो क्या है। रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज मेजर इन द सेम यूनिट। अच्छा जी, रेशो आपके पास क्या है, कंपैरिजन है आपके पास एक जैसी क्वांटिटीज़ का। ठीक है, जब आप उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, रेशो जब दो को आपके पास क्वांटिटीज़ होती हैं, गिवन होती हैं, और कंपैरिजन उनका करते हैं, वो आपके पास रेशो कहलाता है। और वो जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम यूनिट्स की होंगी। ठीक है ना, अगर मनी है, देखिए एग्जांपल में, अब देखें, अकील अर्न रुपीज़ 10,000, शकील अर्न रुपीज़ 5,000, देन द रेशो बिटवीन द अर्निंग ऑफ अकील एंड शकील इज 10,000:5,000 और 2:1। रेशो ए रेशो बी ऑफ टू क्वान्टिटी, ए बी कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट ए बाई बी। फ्रैक्शन फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, क्लास 6 में भी आपने रेशो लर्न किया था। ठीक है ना, रेशो ऑफ कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज, एक जैसी क्वांटिटीज़, कैसे कि अकील भी अर्न कर और शकील भी अर्न कर। तो देखें एक क्वांटिटी आ गई, दोनों की अर्निंग चेक कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है दोनों की अर्निंग का, और वो रुपीज़ में ही है, दोनों रुपीज़ में है। तो ये आपके पास रेशो है, ये रेशो का सिंबल है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंटिन्यूड रेशो। अब कंटिन्यूड रेशो क्या है, कंपैरिजन ऑफ रेशो ऑफ 3 or more क्वांटिटी इज कॉल्ड कंटिन्यूड। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग कंटिन्यूड रेशो इज दैट वी कैन इजीली टेल अबाउट द रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वांटिटी। अच्छा जी, अब कंपैरिजन ऑफ रेशो ऑफ 3 or more क्वांटिटीज। रेशो क्या था आपके पास, कंपैरिजन ऑफ 2 quantities। जब आपके पास मोर देन 2 quantities आ जाती हैं, आप उनको कंपेयर्स करते हैं, तो वहाँ पे वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास होती हैं कंटिन्यूड रेशो। ठीक है, उसको आप कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग कंटिन्यूज दैट वी कैन इजीली टेल अबाउट रेशो बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्वांटिटी। ठीक है, हम उसके फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस को लर्न कर लेते हैं, प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है विद प्रोपोर्शन। इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशो आर इक्वल। अच्छा जी, अब प्रोपोर्शन क्या है, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन क्या है, आपके पास एक इक्वेशन है जो कि आपको बताती है कि दो रेशोज इक्वल हैं। आप उसको जनरली आप उसको लिख सकते हैं रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, रिटन एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, यानी रीड एज द रेशो ए रेशो बी इज द सेम एज सी रेशो डी वाय द सिंबल प्रोपोर्शन स्टैंड फॉर दिस। ये जो सिंबल्स हैं, 4 dots हैं, ये प्रोपोर्शन कहलाते हैं। नंबर ए बी सी डी कॉल टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन। ए इज फर्स्ट टर्म, बी सेकेंड, सी थर्ड, फोर्थ थर्ड टर्म। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज कॉल्ड मीन्स। ठीक है, ये एक्सट्रीम्स और ये मीन आ गए। इसको आप ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी भी लिख सकते हैं, या ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई डी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी, देन सच
proportion is called direct proportion. For example, if the cost of one notebook is rupees 30, then the cost of three notebook will be rupees 90. अच्छा जी, आप देखें क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे वन नोटबुक है उसकी प्राइस 30 है, फिर थ्री नोटबुक इंक्रीज हुई तो उनकी प्राइस भी इंक्रीज हो गई। तो जब हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके रिजल्ट में दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, और अगर डिक्रीज हो दूसरी भी डिक्रीज हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। इसके एग्जांपल, प्रोपोर्शन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, प्रोपोर्शन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ टायर, प्रोपोर्शन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ टोमेटो। ठीक है ना, स्पीड और डिस्टेंस, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा स्पीड होगी तो कम टाइम लेगा डिस्टेंस कवर, ठीक है ना, डिस्टेंस कम, इस कम स्पीड में कम डिस्टेंस कवर होगा और ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। तो यह आगे आपके पास स्पीड और डिस्टेंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ टायर। अच्छा जी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टायर का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो टायर का प्रेशर भी कम होगा। डिमांड, अगर प्राइस टोमेटो की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स प्रोपोर्शन। इफ इनवर्स इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इज डिक्रीज ऑफ सेकंड क्वांटिटी ऑफ वाइज, देन सच प्रोपोर्शन इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपोर्शन बिटवीन सप्लाई ऑफ टोमेटो एंड देयर प्राइस, प्रोपोर्शन बिटवीन स्पीड एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आ बैलून। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं कि अगर आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रिजल्ट में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, या एक डिक्रीज हो दूसरी इंक्रीज हो, तो ये आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। तो इसकी यहाँ पर तो इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं कि सप्लाई ऑफ टोमेटो एंड देयर प्राइजेस, स्पीड एंड टाइम। अब देखिए, स्पीड और टाइम कैसे, अगर स्पीड ज़्यादा कर देते हैं कार की, अगर 120 की स्पीड पे अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर लेंगे, और अगर आप स्पीड कम कर देते हैं, ठीक है, तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। तो ये इनवर्स हो गया आपके पास। इसी तरीके से अगर देखें, आप वर्कर्स को ले लें, अगर एक एक का वर्क असाइंड हुआ है, ठीक है ना, आप लोगों ने मॉडल बनाना है, और अगर आपके पास एक मॉडल है, टू स्टूडेंट्स, अगर टू स्टूडेंट्स एक मॉडल बना रहे हैं तो वो उसको जल्दी बना लेंगे, दो एक मॉडल टू स्टूडेंट बना रहे हैं, दूसरे चार स्टूडेंट्स वही मॉडल बना रहे हैं, तो आप कौन सा मॉडल जल्दी बनेगा जो चार बना रहे हैं, ठीक है ना। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो काम जल्दी होता है, ठीक है, अगर लोग कम हो जाए तो काम क्या होता है, कम हो जाता है। तो आप देखिए, एज पीपल इंक्रीज टाइम डिक्रीज, ठीक है ना, जैसे ही लोग ज़्यादा होते हैं वक्त कम लगता है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया, वो लोग कम हो तो वक्त ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल आ जाती है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ बैलून, ठीक है। अब गैस इन अ बैलून, अगर बैलून में प्रेशर और एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द बैलून, अगर प्रेशर उसका, ठीक है ना, कम होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस उसमें, ठीक है, ज़्यादा उसका वॉल्यूम, ज़्यादा टाइम वो गैस बैलून जो है तो वो करेगा ना, फ्लाई करेगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम उसका कम होगा, यानी कि वो फिर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा उसका प्रेशर। इसी तरीके से नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहते हैं, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में, क्लास सिक्स में भी आपने ये लर्न किया था, आपने फाइंड करने हैं, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, 5:x इज इक्वल टू 15:16। सॉल्यूशन गिवन दैट 5:x 15:16। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये तो आपको पता है प्रोपोर्शन कब इक्वल होते हैं, गिवन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनैलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ले लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास एक्सट्रीम है और सेकंड और थर्ड टर्म मीन है, तो आप इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी 5 × 16 एक्स मल्टीप्लाई बाई 15, 300 इज इक्वल टू 15x, डिवाइड 15 ऑन बोथ साइड, 15 को डिवाइड कर तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट कहते हैं 7:14 इज इक्वल टू
7:14 इज इक्वल टू 15:x। सोल्यूशन गिवन डेट, आपने उसको इसी तरीके से लिख लिए। अब आपको पता चल गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्सट्रीम और सेकंड टर्म मीन को मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड ऑन 7 बोथ साइड एक्स की वैल्यू, चाहिए डिवाइड करते हैं एक्स इज इक्वल टू 30 एज क्वेश्चन नंबर। अब आपके पास इसमें जस्ट क्या चेंजेस है स्टूडेंट्स, ये जो x है ना अननोन वैल्यू, जस्ट इसकी चेंजेस आ रही है, कभी ये फर्स्ट टर्म पे, कभी ये थर्ड, और कभी इस तरीके से जस्ट आपके पास ये x की वैल्यूज, बाकी मेथड वो ही है। अब देखिए 12:x, 8:14 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 12 × 14 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 168 इज इक्वल टू 8, डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड, सो x इज इक्वल टू 24। अब नेक्स्ट क्या है पार्ट 4, देखिए x:3 इज इक्वल टू 2.5:1.5, गिवन डेट x:3 इज इक्वल टू 2.5:1.5, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अच्छा जी एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट और लास्ट एंड मीन सेकंड और थर्ड, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 7.5, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने 1.5 डिवाइड कर दिया बोथ साइड। अब हमने इसको डिवीजन फॉर्म में लिख के, अब इसको कॉमन फ्रैक्शन लिख ली हमने, 17/10 और 15/10 आ गई। अब आपको पता है डिवीजन है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में और इसको रेशो जो राइट साइड पे जो आपके पास फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, 10/15 हो जाती है, अपोजिट आप लिख लेते हैं। अब हमने हमारे पास 10 कैंसिल होगा, 17 को 15 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर x इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने डन कर लिया, इस सेम एज, ठीक है ना, ये वैसे ही है जैसे कहे आपने क्लासिक्स में भी ये सॉल्व किए थे, ठीक है, प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो काइंडली स्टूडेंट्स सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट फॉर चेकिंग टू स्कूल, ठीक है ना, बस सबमिट योर वर्कबुक एंड नोटबुक टू स्कूल एंड कंप्लीट ऑल योर वर्क, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।